दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। दोस्तों जिनका भी रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हुई है बिहार टीईटी में, जिनको कोई भी परेशानी है, वो लोग जब शिक्षा मंत्री से मिले, ये बड़ी खबर आ रही है, तो उसके बाद शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है, ये कल वो लोग मिले थे और शिक्षा मंत्री का क्या कहना है ये आज के न्यूज़पेपर में आया है। तो उनका कहना है कि बुधवार को दर्जनों टीईटी अभ्यर्थी ने शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा से उनके आवास पर विभिन्न मांगों को लेकर मुलाकात की, जिसमें कि उनकी ग्रेस मार्क्स वाली मांग थी और टीईटी का जो आंसर की आया है उसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत हैं और भी अलग अलग, जैसे कुछ लोग वाइटनर नहीं यूज किए हैं फिर भी उनका रद्द कर दिया गया है, इनवैलिड कर दिया गया है। तो ऐसी बहुत सारी मांगे हैं जिनको लेकर उन्होंने वे लोग शिक्षा मंत्री से मिले हैं। तो उसके बाद शिक्षा मंत्री का कहना है कि दुर्गा पूजा के बाद टीईटी अभ्यर्थियों की मांगों पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। तो हालांकि इससे पहले भी एक शिक्षा मंत्री का न्यूज़ आया था जिसमें कि उन्होंने बोले थे कि इस पर फिर से कार्रवाई की जा रही है और उस पर विचार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आगे इस पर कुछ न कुछ एक अच्छी खबर आ सकती है जिनके साथ की अभी न्याय नहीं हुआ है। तो दोस्तों देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा और आगे अगर कुछ अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, वहाँ से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा, उसे दबा देंगे तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।